हेलो एवरीवन। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको फेडरल बैंक का जो है कि ई केवाईसी अकाउंट जो है कि ओपन करके दिखाया था, तो वो वीडियो का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। उस वीडियो में मैंने आपको जो है कि ई केवाईसी अकाउंट में जो है कि बिना पैन कार्ड के ही अकाउंट ओपन करके दिखाया था, यानी कि आप जो है कि उसमें बिना पैन कार्ड के ही अकाउंट को ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी जो है कि इंस्टेंटली मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आपका जो डेबिट कार्ड है बाय पोस्ट के द्वारा 7 दिन के अंदर में आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। तो मैंने डेबिट कार्ड भी अनबॉक्स करके दिखाया, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डेबिट कार्ड का पिन जो है कि आपको किस तरह से एक्टिवेट करना है, उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसका नेट बैंकिंग किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि टोटल वीडियो जो है कि आपको इसका फेडरल बैंक का जो है कि टोटल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के और चेक करके आप जो कि वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो और अकाउंट को ओपन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मोबाइल बैंकिंग किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो बिना एटीएम कार्ड के। यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो भी आप इसमें डेबिट कार्ड को बिना डेबिट कार्ड के ही जो है कि आप इसमें मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। तो किस तरह से एक्टिवेट करना है, क्या इसका प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। सो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फेडरल बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप। यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हो। ये एप्लीकेशन जो है कि 50 MB का है, और इसे जो है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जो है कि लोगों ने डाउनलोड किया है, और इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ज़्यादा MB का नहीं है ये एप्लीकेशन जो है कि लगभग 50 MB का है। चलिए मैं यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन जो है कि इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब मेरा एप्लीकेशन जो है कि इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन जो है कि इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से आपको इसे ओपन कर लेना है। चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक प्रोसीड का आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नीचे में प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको परमिशन आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको परमिशन को अलाउ कर देनी है। सो यहाँ पे मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे आपको उस वाले सिम को सिलेक्ट करना है। जब आप इसमें अकाउंट को ओपन करते हो तो वही सिम जो है कि आपको इसमें लिंक कर देते हैं, यानी कि अकाउंट ओपन करते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए हो उसी सिम कार्ड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा 2 ऑप्शन आ चुका है, एयरटेल और जियो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एयरटेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि वेट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे SMS जो है कि सक्सेसफुली हो चुका है सेंट, और यहाँ पे फेडरल बैंक का अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। दोस्तों अकाउंट नंबर आपको तभी मिल जाते हैं जब आप इसमें eKYC अकाउंट ओपन करते हो 0 बैलेंस में। दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बनाया है किस तरह से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो, और इसका नेट बैंकिंग किस तरह से अप्लाई करना है उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। तो वो सारे वीडियो जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका डेबिट कार्ड भी मैंने अनबॉक्स करके दिखाया, डेबिट कार्ड का पिन भी जनरेट करके दिखाया। तो सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। सो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर जो है कि इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का आइकन दिख रहा है नीचे में, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइज उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कस्टमर आईडी है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ट्रांजैक्शन प्लस व्यू, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे व्यू ओनली
नो ट्रांजेक्शन फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है, यदि आप पहला वाला सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से आप जो है कि ट्रांजेक्शन वगैरह भी कर सकते हो और बैलेंस इंक्वायरी वगैरह सारा कुछ जो है कि कर पाते हो। और यदि आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ बताया गया है नो ट्रांजेक्शन फैसिलिटी, ओनली यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल ही चेक कर सकते हो। और यदि फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो और अपना अकाउंट डिटेल भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट पे। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे यूजर वैलिडेशन, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिया जाता है। पहला यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डेबिट कार्ड, तो यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आप जो है कि डेबिट कार्ड का जो है कि डिटेल वगैरह फिल करके यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट, मंथ ईयर फिल करके यहाँ पे एटीएम कार्ड का पिन, और यहाँ से आप प्रोसीड करके यहाँ पे आप जो है कि डेबिट कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग को, सॉरी यहाँ पे आप मोबाइल बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे आप जो है कि प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिना एटीएम कार्ड के ही आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएंगे। और यदि आपके पास जो है कि ब्रांच टोकन है तो यहाँ से आप जो है कि ब्रांच टोकन नंबर फिल करके यहाँ से आप जो है कि मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ब्रांच टोकन नंबर आपको ब्रांच में ही मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल मैं जो कि बिना एटीएम कार्ड के ही यहाँ पे नेट बैंकिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड, और किस तरह से आपको पासवर्ड और यूजर आईडी बनाना है उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए मैं इसे फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारा डिटेल जो है कि मैंने फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में प्रोसीड का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा, चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि एम पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे अपना एम पिन इंटर कर लेता हूँ, 1212। दोस्तों इस एम पिन को आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से वही पिन को इंटर करना है कन्फर्म करने के लिए, चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ 1212। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना एम पिन जो है कि इंटर कर दिया है और यहाँ पे मेरा एम पिन जो है कि सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एक साइन इन सिक्योरली विथ टच आईडी, तो यानी कि आपके मोबाइल में जो है कि फिंगर ऑथेंटिकेट है तो यहाँ से आप इसे एक्टिवेट भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फिंगर स्कैनर है जो कि यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, तो यदि आपके पास है तो यहाँ से आप इसे एक्टिवेट भी कर सकते हो फिंगर ऑथेंटिकेट। तो चलिए मैं यहाँ से इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से कैंसिल ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना एम पिन इंटर करके यहाँ से आपको इसे लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना एम पिन इंटर कर लेता हूँ, 1212। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना एम पिन जो है कि इंटर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल बैंकिंग जो है कि एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, भीम यूपीआई पे कर सकते हो, स्कैन एस पे कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी दिख जाते हैं। यहाँ से आप बैलेंस वगैरह भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने कार्ड को भी मैनेज कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कार्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी डेबिट कार्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड का पिन जो है कि चेंज कर सकते हो या फिर न्यू पिन सेट कर सकते हो, यहाँ से अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड को जब चाहे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल और डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड को। फिलहाल मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ से आप लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे रिचार्ज के लिए भी यहाँ से आप जो है कि कर सकते हो रिचार्ज वगैरह सारा कुछ। तो सारा डिटेल जो है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें जो है कि बिना डेबिट कार्ड के ही यहाँ पे मैंने आपको जो है कि मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करके दिखा दिया है, लेकिन आप यदि बिना डेबिट कार्ड के जो कि यहाँ पे आप जो है कि इसे एक्टिवेट करना चाहते हो मोबाइल बैंकिंग को, तो इसके लिए आपके पास जो है कि दो ऑप्शन दिया जाता है, एक नेट बैंकिंग का और एक जो है कि आपको ब्रांच में जाके वहाँ से जो है कि आपको एक
टोकन लेना पड़ता है। तो वहाँ से जो है कि आप जो है कि दो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, आपको दोनों ऑप्शन को आप फॉलो करते हो तो बिना एटीएम कार्ड के ही आप नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। यदि आप नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक जो है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में देख के रखा है, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।